कि अपर हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, वो पास हुआ। हमारी जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसको रेजोल्यूशन को पास किया है। और कैबिनेट में, कैबिनेट के अपने चौधरी श्यामलाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमने देखा कितना हमने संघर्ष किया वहां पर, लेकिन क्योंकि उसकी उस जो है पीडीपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस प्रकार की बात थी, लेकिन उस समय वो कामयाब नहीं हो सके हम। और शायद यही कारण बना, यही कुछ कारण थे जिस कारण 5 अगस्त 2019 जो है वो आया। और इन लोगों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जितने भी लगावादी तत्व थे, जो एंटी नेशनल और इस प्रकार के तत्व थे, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं, हमारे जो हमारे जो सम्मान जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, इसी कारण जो है, ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण था कि आज जो है 370 तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी ने और 35 को समाप्त करके जिस प्रकार का पूर्ण विलय किया है, इस विलय के कारण इतिहास में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि आप देखते हैं। हम एक ये भी मैं बताना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह एक जन्म जो हुआ था 23 सितंबर को, जो कि छुट्टी घोषित हुई है, एक जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जब उन्होंने भारत माता की कोख से जन्म लिया, विलय पत्र को उन्होंने जो है साइन करके, तो वो नेशनल हीरो हो गए। और उसको भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने छुट्टी घोषणा की। और आज जो है, जो थोड़ा अधूरा लगता था हम सभी को, नहीं पे वो पूरी कमी, उस कमी को भी पूरा किया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोग और जम्मू डुग्गर प्रदेश के, हमारे जो डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो है कि एक, और एलजी साहब को और केंद्र सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई साहब, जो कि उनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने को बड़ा काम करके आज खुशी की लहर है, जगह जगह जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जिस प्रकार से आज ढोल धमाके हो रहे हैं, तो लोगों की जो मन की बात थी वो हुई है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।